आप लोगों की वजह से मैं कहाँ कहाँ देख रहा हूँ, हाँ? जो कभी नहीं देखा उसको भी आप लोगों की वजह से दिखाई दे रहा है आजकल, है नहीं? सीपर छुटका एप्पल, डीफर हम आपके घर जाएंगे, आप हमारे घर। मतलब जोड़ी कहाँ से लाए हो ऐसी ढूंढ के अपनी, सेम सेम। दोस्तों मैंने घर जाने की फुल तैयारी कर दी है, यहाँ से सब्जी वगैरह इकट्ठा कर लिए थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सस्ती मिलती है ना। ये मुझे अपने घर ले गए, मैं इनको अपने घर लाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह, स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ बिछुआ गाँव से। तो यार कल मुझे बिछुआओं ने बहुत काट रखा है, और यहाँ का नाम बिछुआ क्यों पड़ा अभी यहीं के लोग उसे पूछेंगे। तो अभी भी मैं उनके घर पे हूँ, पी फॉर पहाड़ी जो दीदी हमें मिली थी, बीनता दीदी, उनके घर पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ की जो शांति है और यहाँ का जो गांव है बहुत सुंदर है, और पूरा मैदान मैदान से है ना, शोर शराबा, तो मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा और जगह से है। गए बड़ी वाली पढ़ाई कर रही है, और बहुत सीधी सादी है ये बच्ची, और ये दृष्टि है, ये चिंकू बहुत तेज है। ओ चिंकू हमारे घर चलेगी पहाड़ नहीं आएगी? आएगी। ये देखो पढ़ाई करी दीदी, आप भी पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है, चलो। अच्छा ए फॉर एप्पल में लिखना है आज, चलो लिखो फिर लिखो। अरे टेस्ट है, बाप रे, चलो पढ़ो फिर पढ़ो। मैंगो कहाँ ले जा रहे हो आप? नहीं ले जा रही हूँ, ये तो कच्चे है, कच्चे। अरे लिखो फिर ए फॉर एप्पल में। पक जाएंगे, दादी ने बोला ना इसकी जाली अच्छी होती है। अच्छा पढ़ो फिर पढ़ो। होशियार बच्चा कौन है दीदी? आप फर्स्ट निकलना फिर स्कूल में। पढ़ो फिर ए फॉर एप्पल पढ़ो। आज इनके घर में पनीर बन रहा है दोस्तों, जो मेरा फेवरेट है। इनको भी पता चल गया होगा ना कि आज ये आ रही है। फेवरेट है आपका पनीर? हाँ सच में। हाँ लेकिन पनीर तो बन रहा है, लेकिन यार मैं नहीं खा रही आज तो। कितना भी फेवरेट हो नहीं खा रही, बहुत खिला दिया। नहीं चोखा बन रहा है ना। नहीं मैं इसमें वो नहीं डाल रहे हैं। क्या? प्याज लहसुन वगैरह नहीं पड़ रहा, खाली टमाटर की ग्रेवी बना रहे हैं। अच्छा, और मतलब शुद्ध नहीं, शुद्ध खाना बना रखा है आपने। खा के तो जाओगे तभी तो बना रहे हैं। नहीं नहीं बाबा, अरे बाबा तबियत तो फटाफट हो गया हमारे ना। तो क्या बोलते हैं, यहाँ मैं पूछना चाह रही थी कि आपके गांव का नाम बिछुआ क्यों पड़ा? कल मुझे बिछुआ ने बहुत काटा। पता नहीं यार, ये तो हमारे पुराने बुजुर्ग ही बता सकते हैं कि क्यों पड़ा श्रीपुर बिछुआ। हमारा पूरा गांव का नाम है श्रीपुर बिछुआ। श्रीपुर? अच्छा। बिछुआ, हमारे श्रीपुर बिछुआ की एक कहानी है, पता है? क्या? हमारे गांव यहाँ बिछुआ में दो गांव थे, एक हुआ करता था श्रीपुर, जो कि जो ये बंजर दिख रहा था ना आपको इस तरफ को, वो गांव उजड़ गया है। यहाँ पे एक निवासी नहीं दिखता। क्यों? यहाँ पे इतना बड़ा गांव था पहले, जितना बड़ा गांव यहाँ ऊपर था ना बिछुआ में, उतना ही बड़ा गांव एक इधर पे भी था। क्यों फिर क्यों उजड़ा? एक रोग आया, महामारी आई, मतलब उस टाइम पे मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी महामारी आई थी, महामारी आई थी मतलब उस टाइम पे, तो महामारी इतनी बढ़ गई थी कि गांव के गांव उजड़ गए। उस टाइम पे इस गांव में आए तो जो लोग मरे ना, तो उन लोगों को कोई मतलब छूता भी नहीं था। अब देख लो ऐसी छुआछूत वाली महामारी आ गई, जैसा अभी कोरोना के टाइम पे नहीं हुआ, जैसे कोई मर भी रहा तो उसकी बॉडी को हाथ नहीं लगाना चाह रहा था ना कोई, वैसी महामारी उस टाइम पे भी आई थी, तो पूरा गांव उजड़ गया। फिर गांव वालों ने क्या करा ना कि यहाँ पर मतलब महामारी आ गई है, इतने लोग मर रहे हैं करके वहां से छोड़ के ही चले गए, मतलब पूरा गाँव छोड़ खाली हो गया। हाँ तभी तो, और यहाँ के थाड़ जो मेन राणा थाड़ होते ना, उनका पूरी जमीन तभी तो यहाँ है, उनकी जमीन कब्जा गांव उनके वहाँ है, जमीन ले लिया वाले, लेकिन जमीन सारी नीचे है, इसलिए उनकी जमीन सारी नीचे है। अच्छा। क्योंकि वो लोग ऊपर चले गए थे यहाँ से छोड़ के, और जो मरे ना उनको देखा भी नहीं। अभी भी अगर कोई खुदान वगैरह चलती है ना तो नीचे से कहते हैं कि बड़े बड़े मतलब पिछले कंकाल निकलते हैं, और मटके वगैरह पुराने जमाने के सिक्के ये चीज निकलते हैं, अभी भी खुदान वगैरह जैसे कुछ हो गया उधर पे तो निकलता है वो सारी चीजें। अच्छा कहानी है मतलब? हाँ ये किस यहाँ की कहानी है, चलो सुन लिया आज। ये कब से इंतजार में है यार सिवो? उसको एक वर्ड नहीं आ रहा होगा, कौन सा नहीं आ रहा है? फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बड़का एप्पल, सी फॉर कैट,
छुटका एप्पल डी फॉर डॉग एप्पल ये हमारी कॉमेडी स्टार है डी फॉर डॉग एप्पल ई फॉर एलिफेंट एप्पल ठीक है समझ गई यार टैलेंटेड गाय है हमारी ये मजा आ गया इसको देख के यार घर काम है पढ़ काम है इन लोग गजब सुन पे एक दिन बन गई है रोको और यहाँ बन पता चले की काम करूंगा खाली पिशोल खाली खाप काट की तो है चलो दोनों जने अपने अपने हाथ दिखाओ दिखाओ लाओ जल्दी दिखाओ ये अब हो रहे हैं चिड़िया भी सो गई होंगी बल खाना पका के चलो फिर मिलेंगे जल्दी आपसे ये बोलना चिड़िया ले पड़ गया बल खान पका वेर दृष्टि दृष्टि मेरा निशाथ नहीं लगेगा बताओ लगेगा पहाड़ में चलते भी चलो बहुत ज्यादा चलो बैठो पहा भला है रिया एक चीज पहला आना अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत ज्यादा गले मिल लो ना हाँ ये मम्मी को अपनी बुआरी जैसी लगी होगी मम्मी क्या कह रहे ठहरे ना कि मतलब जोड़ी कहाँ से लाए हो ऐसी ढूंढ के अपनी सेम सेम जरूर आएंगे हमारे घर आना ठीक है जल्दी दृष्टि दृष्टि चलो आ रहे हो टाटा बाई गुड नाइट बोलो आप मम्मी और पापा के साथ आना आप भी आना आप भी आना कब आऊंगी हम आपके घर जाएंगे आप हमारे घर ओके ठीक है रिश्ता लगा दिया अब मैं कौन हुई आंटी 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 नहीं मौसी मौसी चल मैं मिलने ही आई हूँ क्योंकि आप चाह रहे थे ना मैंने कहा चलो मिल के आते हैं आपसे जब पहाड़ आओगे तो पक्का आना हमारे घर हाँ जो कभी नहीं देखा हो उसको भी आप लोगों की वजह से दिखाई दे रहा है आजकल है ना हाँ। अच्छा काम कर रहे हो बढ़िया है अच्छे से मतलब ज्यादा वो नहीं किया था अपना मतलब ठीक ठाक ही से अपने है ना हाँ। लोग बनाए अपना रिश्तेदारी अपना घर गाँव मैं तो कह रही हूँ आपकी वजह से हम यहाँ को देख पाते हैं पहाड़ और हमारी वजह से आप पहाड़ की ओर देख पाते हो ना पहाड़ में तो ना हमारे घर है भी हम तो लेकिन आप लोगों का इधर को आना मतलब ये या तो घर होता फिर आप लोग भी मतलब अपना ही ठहरा यहाँ आते रहेंगे अब आते रहो ठीक है फिर बैठो फिर हाँ ये मुझे अपने घर ले गए मैं इनको अपने घर लाई यहाँ पे भी अच्छा लगा ओ, अम्मा से तो आप मतलब हो गई ना मेरी अम्मा है बोलो मेरी अम्मा है अब यही आना मैं नहीं हूँगी तो आ जाना अम्मा बहुत अच्छे हैं अम्मा आज बहुत फ्रैंक है कोई दिक्कत नहीं इनके साथ तो आते ही घर पे अंदर आओ बैठो बिना अंदर आए भेजा ही नहीं हमको बाहर से अभी कह रही हूँ मैं आप अब हमारे पहाड़ आ गए तो भी ऐसा ही करेंगे वहाँ वाले भी ऐसे करेंगे ये देखो टाइम देखो 8:30 हो गया नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है अभी भी दिख रहा है चमक रहा है फोन चमक रहा होगा ना अब दिख रहा है 8:30 हो गए इधर लाओ मैं दिखाती हूँ अच्छा
दोस्तों क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें फ्लैश अभी दिख रहा है, 8:27 सही है। फिर आज क्या हो रहा है, बच्चे तो रह ही जाते हैं आपके बिना, कल मैं भी चली जाऊंगी। मेहमान जा रहे हैं, जाओ जाओ बाय। दोस्तों मैंने घर जाने की फुल तैयारी कर दी है, यहाँ से सब्जी वगैरह इकट्ठा कर लिए थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सस्ती मिलती है ना, तो मैं खीरे लेके जा रही हूँ, खीरे थोड़ा सस्ते हैं, पहाड़ में बहुत महंगे मिलते हैं। तो थोड़े से कच्चे आम खट बनाएंगे इसका, और लौकी कद्दू शिमला मिर्ची सब्जियाँ। और भाभी क्या मैंने बोला था मुझसे यहीं से ले जाओ, तो हम बाजार गए थे आज, तो बहुत सारी चीज़ें लेके आए। थक गए खाना भी खा ही लिया है, फिर सो जाओ। हम गुड नाइट टाटा बाय बाय। एक गाना सुना रहे हो फिर? फूल ऊँसा चेहरा तेरा। फूल ऊँसा चेहरा तेरा। जोर से बोलना भाई।